गुरुग्राम। एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ से सीधा आपके धरने पे आया हूँ। अभी जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो दो दो कदम पे होर्डिंग लगे हुए थे चन्नी साहब के, उसमें लिखा हुआ था कि हमने 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। तो उसमें आप में से भी कई सारे पक्के हुए, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के सफाई कर्मचारी भी आए थे, छत्ती बंदे भी नहीं हुए। वो सफाई कर्मचारी कह रहे थे जी हमारे को पक्का नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी चन्नी साहब कह रहे 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, बोले जी हमारा एक भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ, तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए, मेरे को झूठ बोल रहे हैं इसका। खाली होर्डिंग पे पैसे ला रहे हैं, सरकार होर्डिंग पे पैसे ला रही है। यहाँ पे बैठ के आपकी सारे आपके नेताओं की सारी बातें सुन रहा था, उन्होंने बताया कि इसी धरने पे लगभग सारे नेता आ चुके हैं, कैप्टन साहब भी आए, मनप्रीत बादल भी आपके किसी धरने पे पहुंचे, सारे पार्टियों के सारे नेता आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी भाषण सुन सुन के पक गए होंगे, जिंदगी आपकी भाषण सुन सुन के बीत गई, जिंदगी आपकी वादे सुन सुन के बीत गई। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ बैठे हुए ये लोग सोच रहे होंगे कि ये भी एक आ गया, ये भी अब भाषण देने आ गया, ये भी अब वादे करके चला जाएगा। तो मैं ये पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के दोस्त या रिश्तेदार रहते होंगे, आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई। सुना है कि नहीं सुना है? मानते हो अच्छी हो गई? दिल्ली के अंदर जो स्कूल इतने अच्छे हो गए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल जो इतने अच्छे हो गए, वो केजरीवाल ने नहीं करे, वो मनीष सिसोदिया ने नहीं करे, वो हमारे टीचर्स ने करे हैं वहां पे। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, दिल्ली के इतने स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों, पंजाब के सरकारी स्कूलों में 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य पहले, हमारी सरकार बनने के पहले इन 16 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में था, अंधकार में था, स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का माहौल खराब था। हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ, हमने कोई टीचर नहीं निकाला, वही टीचर काम कर रहे हैं जो पहले काम कर रहे थे, हमने बस माहौल बदल दिया। अब टीचरों को लगने लगा कि ये हमारी सरकार आ गई है, ये हमारे साथ खड़ी है। उन्हीं टीचर्स ने, जो टीचर पहले काम कर रहे थे, उन टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया, पूरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदल दी। टीचरों के जितने मसले थे वो सारे मसले मैंने ठीक करे और टीचरों ने मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक कर दी। मैं आज केवल ये कहने आया हूं कि मैं भी आपको वादा करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पक्का करेंगे, लेकिन मैं इस बात पे आपको भरोसा दिला रहा हूं कि दिल्ली में करके आया हूं टीचरों के मसले हल, इसलिए पंजाब के अंदर भी मसले हल करेंगे। मेरे पास अभी पंजाब के, मैं पिछली बार जब आया था लुधियाना में था, कई सारे टीचर्स मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने बताया जी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, सातवीं क्लास तक के स्कूल, कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है सातवीं क्लास तक का, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, उस पर कोताही कर देते हैं और उसको स्मार्ट स्कूल बोल देते हैं। मुझे बड़ा दुख है, परसों परगट सिंह जी ने, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करा कि पंजाब के अंदर बहुत शानदार, देश के सबसे शानदार स्कूल है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, परगट सिंह जी से, कि एक बार आके इन टीचर से मिलके इनसे पूछो कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं, ये अपना दर्द बताएंगे आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। अगर आप समस्या ही नहीं समझोगे तो समस्या का समाधान क्या निकालोगे। उन्होंने, टीचरों ने बताया कि हमें 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती है हर महीने, हमारे दिल्ली के अंदर 15,000 रुपए मिनिमम वेज है, न्यूनतम मजदूरी है,
अगर एक मजदूर ईंट उठाने का पुताई का काम करता है उसको 15,000 रुपए मिलते हैं, टीचर को 6,000 रुपए इतनी डिग्री लेने के बाद। तो मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, आपके 18 साल 2003 में आपकी भर्ती हुई थी, 18 साल में 10 साल अकाली दल के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, 8 साल कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, एक बार एक मौका आप अपने छोटे भाई को देके देखो, एक मौका, एक बात तो मान सकते हैं भाई, जब इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, 8 साल में कुछ नहीं करा, तो अब ये तो करने वाले हैं नहीं, ये तो वैसे ही वादे करेंगे आपके पास आके, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ABP सोचा।